स्वागत है आपका इंडिया टीवी पॉडकास्ट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। तो शुरुआत करते हैं एक विलन रिटर्न से। जॉन अब्राहम, दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया की मल्टी स्टारर फिल्म ने आज बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और सोशल मीडिया पर इस फिल्म का काफी बज है। जहां एक तरफ बड़े पर्दे पर एक विलन रिटर्न्स रिलीज हुई है, वहीं ओटीटी पर जानवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी रिलीज हुई है। इस फिल्म में जानवी कपूर के साथ दीपक डोबरियाल भी हैं। डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस फिल्म में जानवी कपूर का एकदम अलग अवतार देखने को आपको मिलेगा। गुड लक जेरी तमिल सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार की कोलामवु कोकिला से इंस्पायर है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई थी। उनके निधन के 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उनके पिता ने अपने बेटे की याद में टैटू बनवाया है, जिसमें दिवंगत सिंगर का चेहरा बना हुआ है। ये टैटू सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपनी कलाई पर बनवाया है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एंड डायनेमिक डायरेक्टर करण जौहर की। कल उनके शो कॉफी विद करण में अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा गेस्ट बनकर पहुंचे थे। शो में दोनों ने सेक्स लाइफ से लेकर डेटिंग लाइफ तक कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। इस दौरान जब विजय से रश्मिका मंदाना संग रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी अच्छी दोस्त है। और अब आखिर में बात करते हैं रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर। जहां इन फोटोज पर विवाद बरकरार है, वहीं जब एक्ट्रेस विद्या बालन से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती है। विद्या ने यह भी कहा, अरे क्या प्रॉब्लम है, पहली बार कोई आदमी ऐसा कर रहा है, हम लोगों को भी आंखें सेकने दीजिए ना। बॉलीवुड की दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें इंडिया टीवी पॉडकास्ट के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।